सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आज मैं अपना हाउस आपको दिखाऊंगी, मतलब मेरा न्यू घर जो बना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी तो मैं मजबूर हो गई घर को दिखाने के लिए। तो चलिए आज आप मेरे घर को देखें और बताएं वो कैसा बना है। आज आए 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 देखिए आज सारे सब्सक्राइबर्स सारे मेरे जो मुझे प्यार करने वाले हैं मेरे घर को कैसा बना है और उसमें क्या क्या है। तो एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया जहां पे बैठ के हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। आयशा बिलाल हम सब मिलकर यहाँ पे खाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और चैनल्स की बातें करते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइंग रूम। आज तो ये है हमारा ड्राइंग रूम। ये देखें ये लैंप जो लगा हुआ है ना, ये बिलाल लेके आया था, बहुत स्पेशल मैच करके सोच के कि कैसा लैंप होना चाहिए जो सूट करेगा हमारे ड्राइंग रूम में। और ये देखें ये छोटी छोटी चीज है ना, ये बिलाल की पसंद की है, सारी उसने खुद ब खुद मतलब दिमाग में रख के डिसाइड किया कि घर पे क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा, तो मेरा कोई काम नहीं है। ये देख लें आप। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम और अब मैं आपको दिखाऊंगी किचन विदामना का। वो किचन आपने किचन विदामना में देखा है, वो किचन विदामना का किचन था, लेकिन जो आमना का रियल किचन है मतलब किचन विदामना का घर वाला किचन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलें तो आए आमना के घर का किचन देखें। ये मुझे पता है सबको बहुत ज्यादा शौक होगा कि आमना का जो घर का किचन है वो कैसा है। तो ये मेरे घर का किचन है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मैसेज किए थे कि आमना आपी आपके जो किचन में किचन विदामना के किचन में प्लेट्स कहाँ हैं, बर्तन कहाँ हैं जो आप खाना वगैरह खाते हैं। तो ये मेरा किचन है, वो मेरा ऊपर वाला किचन विदामना का किचन है, ये मेरे घर का किचन है। तो ये देखिए किचन में क्या क्या देखें आप। लेकिन मैं अंदर से आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी कि किचन विदामना के घर के किचन में क्या क्या है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो आप इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके मुझे बताएं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जरूर बनाऊंगी। मैंने वीडियो के शुरू में कि मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगी, इसलिए मैं आपको एक एक चीज दिखा रही हूँ। आ जाओ
अपनी स्किन केयर की चीजें रखती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आना अपनी स्किन रूटीन आपके साथ शेयर करे तो आप लोग कमेंट्स करो अगर आप लोग चाहते हो वो वाली वीडियो। तो ये वैनिटी में सारी मेरी स्किन की चीजें कि मैं कौन कौन सी डेली यूज करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के रूम्स वो कहाँ पे हैं, और किचन भी दामना में ऊपर है उसका सेट। आ जाए तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस घर का छोटा सा वॉशरूम जो मेहमानों वगैरह के लिए होता है अलहदा से। ये है गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना उन सब के लिए। चलिए हम ऊपर चलते हैं। आ जाए। तो ये देखिए, ये तो आपने देखा ही होगा किचन विदामना का सेट, मतलब किचन विदामना का किचन। और ये दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, ये आप लोग देख चुके हैं किचन विदामना में। चले अब रूम दिखाती हूँ आपको। हाँ, और ये वाला रूम भी आपने देखा होगा, इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हैं? फिर दिखा, चलो दिखा देते हैं। आज ये रूम आपको बिलाल ने दिखाया था, लाइफ विद बिलाल ने, तो देख चुके हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, आप सबको बिलाल ने कहा था मुझे बताएं कमेंट्स करके कि मैं अपने रूम में कौन से फ्लावर लगाऊं, तो वो बिलाल लगा चुका है आप सबकी रिक्वेस्ट पे। कुछ लोगों ने कहा था व्हाइट लगाएं, कुछ लोगों ने कहा था ग्रीन लगाएं, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, जो लोगों ने कहा बिलाल ने वो लगा दिया। तो ये हो गया बिलाल की, मतलब आप सबकी रिक्वेस्ट पे। तो बिलाल ने जब अपने रूम में ही लगाया तो मैंने आके देखा ना, तो मैंने कहा वाओ, कहता ये मुझे कमेंट्स में लोगों ने कहा था तो मैंने वही लगाया। और ये है वो जगह जहां पे बैठ के किचन विद आमना की एडिटिंग होती है। छोड़ूंगी नहीं, हर एक चीज दिखा रही हूँ आपको, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर जाना मना है। ये स्लीपर पहन के मुझे अंदर जाना पड़ेगा और मैं उतार नहीं सकती। अभी यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं, मतलब कोई चीज़ें वगैरह नहीं है, तो बहुत जल्द वो भी आ जाएंगी और हम यहाँ पे बैठ के चाय इंजॉय करेंगे, बिलाल के फेवरेट पकोड़े और साथ में चाय। तो यहाँ पे आपको चैलेंज भी मिलेंगे हमारे, और बिलाल के ब्लॉग भी मिलेंगे, बहुत कुछ, बहुत खूबसूरत जगह है, और आवाज़ भी ख़तरनाक सी आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। और आप सोच रहे होंगे ऊपर क्या, ऊपर है छत, तो मैं तो वहां में जा नहीं सकती, लेकिन आपको बिलाल अपने किसी व्लॉग में छत दिखाएगा लाइफ इन बिलाल में, तो आप वहां पे देखेंगे, ठीक है? अब आपको बाकी की चीजें दिखाती हूँ। आजे। और एक ये भी रूम है, ये देखें जो रूम्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं, देख लें आप। तो ये था मेरा छोटा सा घर, लेकिन हर किसी के लिए उसका घर एक महल जैसा होता है, तो मेरा घर भी मेरे लिए महल जैसा है।
तो इस घर को बनने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी हो गया था। तो सबसे स्पेशल तो इस घर में जिसने सबसे मेहनत किया, वो तीन शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत किया, वो है मेरे अबू, और दूसरे नंबर पे मेरे अंकल जफर मतलब उमैर के अबू, और मेरे सुसर, और तीसरे नंबर पे बिलाल। सुबह सुबह उठते थे, शाम को वापस आते थे घर में, बहुत उन तीनों ने मदद मेहनत की है। तो सबसे स्पेशल मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अंकल का मतलब जफर अंकल मतलब उमैर के अबू मेरे ससुर का, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। तो थैंक यू सो मच, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको मेरा थैंक्स मिल जाएगा। तो आप लोगों को भी मेरा घर अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना छोटा सा घर था और कैसा लगा, प्यारा था कैसा था, जरूर जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीदियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और लाइफ विद अमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे फियांसे के चैनल लाइफ विद उमैर को भी सब्सक्राइब करें, और वहां पे मेरी मम्मी की वीडियो भी आप देख सकते हैं, और लाइफ विद बिलाल चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाइफ विद उमैर का भी चैनल का और लाइफ विद बिलाल का भी। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।